गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम क्लास यूकेजी में बच्चों हिंदी में कविता पढ़ेंगे। आज जो बच्चों हम लोग कविता पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा सेकंड टर्म सेकंड असेसमेंट के लिए कविता है, जिसमें हमें चार कविता सीखना है बच्चों, जो है कविता नंबर 13, 14, 15 और 16। अभी मैं बच्चों आप लोगों को दो कविता सिखाऊंगी, तो हम लोग शुरू करेंगे कविता, जिसमें बच्चों आज हमारा कविता नंबर 13 जो है वो है झूला। झूला, ये देखिए बच्चों, ये क्या है, ये एक झूला है। झूला जो हर बच्चों को बहुत पसंद है। बच्चों आप लोग झूला देखते के साथ बहुत ही खुश हो जाते होंगे, और कभी भी कहीं देखते हैं बच्चों अगर मेला लगता है तो अधिकतर बच्चे उस मेला में जाना पसंद करते हैं। वो क्यों? क्योंकि उन्हें झूला झूलना पसंद है। तो आज बच्चों हम जो कविता करेंगे वो है झूला। तो चलिए बच्चों, पहले मिस आप लोगों को यहाँ झूला कविता बोलेगी, आप लोगों को उसे ध्यान से सुनना है। झूला झूलो, पेंग लगाओ, हंस लो गालो मौज मनाओ, ठंडी ठंडी चली हवाएं इधर उधर से आए जाएं, कमला झूलो विमला झूलो, पेंग लगाकर नभ को छू लो। तो ये बच्चों हमने कविता पढ़ा, अब मैं बच्चों इसका एक्शन करूंगी, उसे आपको ध्यान से देखना है बच्चों। झूला झूलो, पेंग लगाओ, हंस लो गालो मौज उड़ाओ, ठंडी ठंडी चली हवाएं इधर उधर से आए जाए, कमला झूलो विमला झूलो, पेंग लगाकर नभ को छू लो। तो चलिए बच्चों, अब आप लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, और जिस तरह मिस आप लोग को एक्शन के द्वारा करके समझा रही है कविता को, आप लोग को भी उसी तरह करना है बच्चों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। झूला झूलो, पेंग लगाओ, हंस लो गालो मौज मनाओ, ठंडी ठंडी चली हवाएं इधर उधर से आए जाएं, कमला झूलो विमला झूलो, पेंग लगाकर नभ को छूलो। तो ये बच्चों हम लोगों ने कविता सीखा, अब हम लोग बच्चों कविता नंबर 14 पढ़ेंगे, जो है बादल। तो देखिए बच्चों, ये क्या है, ये है बादल। बादल बच्चों हम लोग कहाँ देखते हैं, बादल कहाँ होता है, आकाश में। आकाश में हम लोग बादल किस रंग के देखते हैं बच्चों, ये उजले रंग के देखते हैं, जो नीले आकाश में रहते हैं। जब बच्चों हम लोग बारिश होते हुए देखते हैं तो देखते हैं हमारे चारों तरफ बादल घिरा हुआ है, उस समय बादल का रंग क्या होता है, काला, क्योंकि वो बारिश होने वाली होती है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग जो कविता करने जा रहे हैं वो है बादल। तो सबसे पहले बच्चों मैं इसे बोलूंगी, आप लोग को मेरे पीछे दोहराना है बच्चों। बादल, मेरी माँ मुझको बतलाओ, बादल कहाँ कहाँ से आते, उमड़ घुमड़ कर आते जाते, गरज गरज कर जल बरसाते, मेरी माँ मुझको बतलाओ, बादल कहाँ कहाँ से आते। तो चलिए बच्चों, अब मैं आप लोग को इसका एक्शन करके दिखाऊंगी, आप लोग देखिए। मेरी माँ मुझको बतलाओ, बादल कहाँ कहाँ से आते, उमड़ घुमड़ कर आते जाते, गरज गरज कर जल बरसाते, मेरी माँ मुझको बतलाओ, बादल कहाँ कहाँ से आते। तो ये बच्चों मिस ने आपको एक्शन किया, अब बच्चों आप लोग अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे, और जिस तरह मिस कर रही है उसी तरह आप लोग को एक्शन के साथ करना है। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। मेरी माँ मुझको बतलाओ, बादल कहाँ कहाँ से आते, उमड़ घुमड़ कर आते जाते, गरज गरज कर जल बरसाते, मेरी माँ मुझको बतलाओ, बादल कहाँ कहाँ से आते। तो ये बच्चों हम लोगों ने बादल कविता का अभी हम लोगों ने पढ़ा है। अभी हम लोगों ने बच्चों दो कविता कहा है,
झूला और बादल। जिस तरह बच्चों मिस ने आप लोगों को बोलकर और उसका एक्शन के साथ आप लोगों को बताया है, आप लोगों को भी बच्चों उसी तरह से इसका अभ्यास करना है, इसे बोल बोल कर एक्शन के साथ करना है ताकि आप इसे जल्दी से सीख सके। तो इसे आप लोग बच्चों अच्छी तरह से करें और सीखें, याद करें कविता को। धन्यवाद।